जेई एडवांस 2023 का रिजल्ट जारी। हैदराबाद जोन ने मारी बाजी। जाने किसने किया टॉप, कितने हुए पास। जेई एडवांस्ड 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आईआईटी गुवाहाटी ने रविवार को रिजल्ट जारी कर दिया। आप अपना रिजल्ट jeeadv.ac.in की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जून को जेई एडवांस्ड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 2,00,000 छात्रों ने परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराया था। जानकारी के मुताबिक आईआईटी गुवाहाटी ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। इस बार आईआईटी हैदराबाद जोन के वविला चिदविलास रेड्डी ने जेईई एडवांस 2023 में 341 अंकों के साथ टॉप किया है। जेईई की परीक्षा में इस बार करीब 43,000 से ज्यादा उम्मीदवार सफल हुए हैं। जोन वाइज अगर बात करें तो इस बार हैदराबाद सबसे आगे रहा है। हैदराबाद जोन के 10,432 छात्र पास हुए हैं, वहीं दिल्ली जोन के 9,290, बॉम्बे जोन के 7,957, खड़गपुर जोन के 4,618, कानपुर जोन के 4,582, रुड़की जोन के 4,499, गुवाहाटी जोन के 2,395 छात्र पास हुए हैं। इस साल हैदराबाद जोन से बीसी रेड्डी ने टॉप किया है। बीसी रेड्डी ने 360 में से 341 नंबर लेकर पहला स्थान हासिल किया है। बल्कि जेई एडवांस की महिला टॉपर भी हैदराबाद जोन से ही है। हैदराबाद की नियाकांती नागा भाव्याश्री को इस साल महिला टॉपर घोषित किया गया है। नियाकांती नागा भाव्याश्री ने जेई एडवांस परीक्षा 2023 में देश भर में 56वीं रैंक हासिल की है। नियाकांती ने 360 में से 298 नंबर हासिल किए हैं। नियाकांती नागा भाव्या श्री हैदराबाद आईआईटी जोन की है। आपको बता दें कि इस साल हैदराबाद आईआईटी ने जेईई एडवांस में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस साल ऑल इंडिया टॉपर भी आईआईटी हैदराबाद जोन के बीसी रेड्डी हैं। आईआईटी गुवाहाटी की ओर से देश भर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई इस परीक्षा में इस बार कुल 1,83,072 स्टूडेंट में से 43,733 ने परीक्षा क्वालिफाई की है। इसमें 36,204 लड़के और 7,509 लड़कियां शामिल है। वहीं इस बार जेई एडवांस 2023 परीक्षा में भारत के अलावा विदेशी छात्र भी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए कुल 125 विदेशी उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 108 उपस्थित हुए और 13 ने परीक्षा पास की। आपको बता दें कि पिछले साल जेई एडवांस परीक्षा 28 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2,50,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें केवल 1,56,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 124 शहरों के 577 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। गौर हो कि सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कुल 16,598 सीटें हैं, जिनको भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि 2021 की तुलना में 2022 में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही महिला उम्मीदवारों के लिए 1,567 अतिरिक्त सीटें रिजर्व की गई थी, जिसके बाद 2021 में कुल सीटों की संख्या 16,232 से बढ़कर इस साल 16,598 हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।